हाय गाइस, मैं मोहन स्टार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। हमारे बिजनेस के अवास्तविक खाते क्या होते हैं, कैसे उन पे डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो किया जाता है। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो के अंदर हमारे बिजनेस के पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में डेबिट क्रेडिट के साथ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ही स्किप करके हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। चलो बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के सब्जेक्ट के बारे में। गाइज, बिजनेस अकाउंटिंग के रूल के अनुसार नॉमिनल अकाउंट में दो तरीके के खाते कवर होते हैं। कौन कौन से? उसमें एक तो हमारे बिजनेस के टोटल सारे खर्चे और दूसरा हमारे बिजनेस के टोटल इनकम। तो गाइज, जैसे हमारे पर्सनल और रियल अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट के रूल लागू होते हैं, सेम उसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर भी हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल लागू होते हैं। गाइज, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट की अभी परिभाषा नहीं पता, आप हमारे चैनल पे अभी नहीं हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं स्किप करके हमारा पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज, अगर बात की जाए खर्चों की, हमारे व्यापार के अंदर किस किस टाइप के खर्चे हो सकते हैं, तो गाइज उनमें से ये सारे खर्चे कुछ हेड मैंने यहाँ पे बनाए हैं। उसके अंदर जैसे हम कुछ हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ अगर हमारे शॉप या गोडाउन ओनर को हम गोदाम का किराया देते हैं, या हमारे बैंक्स के खर्चे होते हैं, या हम कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं उसका हम किराया भाड़ा पे करते हैं, कार के मोटरसाइकिल एक्सपेंसेस अगर हम बिजनेस के यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उनके मेंटेनेंस के खर्चे ये सारे कवर होते हैं। लाइट्स के, वाटर के, आपके दुकान के मिसलेनियस खर्चे, आपने कोई लेबर वगैरह पे करी है तो ये सब आपके बिजनेस के खर्चे में होते हैं। तो गाइज, अगर हम कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे की बात नहीं कर रहे, एक बार हम सिर्फ ओनली खर्चों की बात कर रहे हैं, भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर बात यही बात हमारी इनकम के अंदर भी आती है, तो अब इनकम हमारी अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब उसके अंदर हमारा कैश डिस्काउंट हमें मिल सकता है, ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है, रिबेट क्लेम क्या चीज़ होता है, इंटरेस्ट क्या चीज़ होता है, कमीशन क्या चीज़ होता है, अदर इनकम टाइप की भी, जैसे जैसे हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग हमारे इनकम के और खर्चों के हेड भी बना लेते हैं। तो गाइज, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, रियल प्रैक्टिकल हम जब करते हैं तो उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कुछ एक इनकम ऐसी भी होती है जो हमारी इनकम क्रेडिट भी होती है और वो हमारी डेबिट भी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, भी देखो ब्याज कमीशन बोनस वगैरह मैंने ये इनकम के साइड में भी लिख रखा है और इनको खर्चों के साइड में भी लिख रखा है। तो अब कन्फ्यूज हो, भी एक इनकम खर्चा कैसे हो सकता है या आपका एक खर्चा आपकी इनकम कैसे हो सकती है? तो गाइज, इस मैटर पे भी हमें बात करेंगे। तो गाइज, अगर हमारे बिजनेस के अंदर कुछ एक लेजर ऐसे भी होते हैं या कुछ एक इनकम ऐसी भी होती है जो साल के दौरान आपस में रिवर्स होते रहते हैं। रिवर्स का मतलब भी आज जैसे हमने किसी को ब्याज दिए है तो हमें ब्याज हमें मिलता भी है, मिलेगा तो हमारी इनकम है, अगर हम ब्याज किसी को दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंसेस यानी मेरे व्यापार का खर्चे हैं। तो ये गाइज हमारी बोनस की भी रहेगी, अगर बोनस हमें मिलता है किसी कंपनी से तो हमारी इनकम है, अगर वही बोनस हम हमारे किसी कस्टमर को या किसी एम्प्लॉयज को अगर हम देते हैं तो हमारा खर्चा बन जाता है। तो गाइज, अब इसका एग्जाम्पल मैंने आगे बताएंगे, हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी इनकम एक कैसे खर्चा बन सकता है और खर्चा एक कैसे आपका वापस रिवर्स हो सकता है। तो गाइज अभी मैंने इसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करी है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इसके अंदर। गाइज, जब मैंने लिखा है भी खर्चे डेबिट कब और इनकम क्रेडिट कब होते हैं, तो गाइज अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, भी जब कोई खर्चा हमें रिवर्स होता है या हमें वापस मिलता है तब वो वापस हमेशा क्रेडिट हो जाता है। तो वैसे रूल क्या कहता है, भी बिजनेस के सभी खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं और बिजनेस की टोटल इनकम यानी सभी आय हमेशा क्रेडिट होती है। तो गाइज, अब एक्सपेंसेस क्रेडिट कैसे हो सकता है इस चीज़ को हम समझते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे गाइज, सपोज करो आपका PNB बैंक के अंदर अकाउंट है और आपने बैंक के अंदर किसी भी टाइप के आप उनकी सर्विसेज यूज़ करते हो, जैसे आपने कोई ATM ले लिया, कोई नेट बैंकिंग वगैरह ले ली, तो बैंक ने आपको चार्ज लगा दिया।
कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने आपका पैसा काटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका खर्चा हो रहा है, आपके व्यापार का खर्चा हो रहा है। और खर्चे किसके कैटेगरी में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर के अंदर। और रही बात पीएनबी बैंक की, अब पीएनबी बैंक क्या चीज है, किस टाइप का लेजर है? पर्सनल अकाउंट। कही ये पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट क्या चीज है, ये मैंने सब कुछ पिछले वीडियो के अंदर अच्छी तरीके इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या वहाँ के समझने में कोई अगर परेशानी अगर आपको आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सुधार कर देंगे। तो गैज़ यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है भी बैंक एक्सपेंसेस। अब सपोज करो आपने बैंक की कोई भी सर्विस ले रखी है और बैंक ने आपको 100 रुपये का खर्चा लगा दिया। तो जब हमें खर्चा लगा दिया, तो हमने हमारे बुक्स के अंदर क्या एंट्री करी? बैंक खर्चा, आपने एक लेजर क्रिएट किया बैंक खर्चे के नाम से और उसको डेबिट कर दिया 100 रुपये से। अब इसको डेबिट करना जरूरी था क्योंकि वह हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल हमारा यही कहता है कि जब भी आपके व्यापार का कोई खर्चा होता है, तो आप हमेशा उसको डेबिट करेंगे। अब खर्चे को डेबिट करेंगे तो अब हमें एक चीज़ क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। अब क्रेडिट किसे करेंगे? खर्चा किसने लगाया है? बैंक ने। अब बैंक हमारा क्या चीज़ है? पर्सनल अकाउंट, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया होगा इस? तो सेम उसी तरीके से जब हमें इस चीज का बाद में हमें पता चला भी जो हमारा चार्जेस 100 रुपये कटा था, वो हमारा एक्चुअल में 80 रुपये चार्ज बनता है, यानी कि हमारा खर्चा बैंक ने 80 रुपये काटना था, उसने गलती से हमारा 100 रुपये काट लिया। तो हमने जब बैंक मैनेजर से बात करी, तो उन्होंने हमारा 20 रुपये का जो खर्चा एक्स्ट्रा काटा था, वो हमारे खाते में उन्होंने रिवर्स कर दिया, हम यानी कि हमारे खाते में वापस उन्होंने जमा कर दिए। तो अब इसकी बुक्स में हमारी एंट्री क्या बनेगी? तो गाइस जब बैंक ने हमारे काटा, हम पहले हमने बैंक को सीआर किया था, अब हम वापस बैंक को ही वापस डेबिट कर देंगे, यानी कि पीएनबी बैंक को वापस हमें 20 रुपये से डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे 20 रुपये से? क्यों करेंगे? क्योंकि अब बैंक ने पहले हमारे 20 रुपये ही फालतू लिए से हमसे, 80 रुपये तो हमारा एक्चुअल में बनता ही था, गलती से 100 रुपये ले लिए, तो 20 रुपये बैंक ने हमको वापस दे दिए। तो हम क्या करेंगे? पीएनबी बैंक को वापस डेबिट करेंगे और उसी बैंक एक्सपेंसेस को, जो ये एक्सपेंसेस हमने जो पहले 100 रुपये से जो डेबिट किया था, अब वापस उसी लेजर को हम 20 रुपये से क्रेडिट भी कर देंगे। तो गाइज हो गया ना, क्योंकि हमें कोई ये इनकम नहीं हो रही है, ये नहीं है भी हमें कोई खर्चा मिला है तो हमारी इनकम है, ये खर्चा हमारा रिवर्स हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारा जो नेट का जो बैंक एक्सपेंसेस है, वो हमारा कितना रह जाएगा? भी 100 रुपये पहले हमने डेबिट किए थे, अब उसी को हमने 20 रुपये वापस क्रेडिट कर दिया, तो हमारा नेट एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 80 रुपये। तो गाइस इसका मतलब क्या हो गया भी, जब कोई खर्चा अगर हमें कोई रिवर्स होता है तो क्रेडिट होता है। कुछ है कि खर्चे ऐसे होते गाइस जो रिवर्स हो सकते हैं। अब ये नहीं है भी आपने कोई शॉप रेंट दे दिया तो आपका रिवर्स हो सकता है, शॉप रेंट आपका लगना ही लगना है तो आपका एक्सपेंसेस हो सकता है, वो आपका रिवर्स नहीं हो सकता। अगर रिवर्स होता है तो आपको शॉप रेंट को भी अपने क्रेडिट कर देंगे। और ये कम कोई हमारे डेबिट होती है, रिवर्स होती है, तो हम उसको भी डेबिट करते हैं। अब कैसे करते हैं? अब देखो, अब हमारे पास एक कस्टमर था मुकेश कुमार। अब मुकेश कुमार को हमने सामान बेचा था और मुकेश कुमार ने उस सामान का भुगतान टाइम पे नहीं किया, तो हमने मुकेश कुमार से ब्याज ले लिया। अब ब्याज हमने मुकेश कुमार से लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ भी, इनकम हमारे व्यापार के अंदर बढ़ रही है, हमारे व्यापार की इनकम प्लस हो रही है। तो अब ब्याज किस टाइप का खाता है? चाहे आपकी इनकम है चाहे खर्चा है, आएंगे दोनों नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर ही। तो अब आप हम क्या करेंगे भी, मुकेश कुमार से अभी पैसा हमने कोई लिया नहीं है, उसे कोई 100 रुपये हमें कोई नगद कोई दे के नहीं गया। वो सपोज ग्रुप ने हमारे से 2000 रुपये का सामान खरीदा था और 100 रुपये का उसका ब्याज बन गया, तो अब हम 100 रुपये उसके खाते में प्लस कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? मुकेश कुमार खाते को तो वापस डेबिट करेंगे और ब्याज यानी कि इंटरेस्ट की जो इनकम है हमारी, वो हमें क्रेडिट है, क्योंकि हमें इनकम मिल रही है। सेम इसी का अपोजिट ये हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे तो हमने हमारे कस्टमर से ब्याज लिया था, अब ये कहानी अब हमारे ऊपर भी तो लागू हो सकती है। हमने राम इंटरप्राइजेस से सामान परचेज किया था, लेकिन हमने भी राम इंटरप्राइजेज को जो उस सामान का जो बिल का जो अमाउंट की भुगतान था, वो हमने टाइम हम पे भी नहीं कर पाए, तो राम इंटरप्राइजेज ने हमारे से भी ब्याज ले लिया। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ? ब्याज हमारा खर्चा हो गया, वो जब खर्चे हमारे वापस होते हैं तो हमारा डेबिट होता है।
यहाँ पे तो इनकम आ रही थी हमें, तो हमको इनकम को इसी ब्याज के लेजर को हमने क्रेडिट किया, और अब हमारे जेब में से यानी कि हमारे व्यापार में से खर्चा हो रहा है। तो जब खर्चा हमारे व्यापार में होता है तो हमेशा डेबिट होता है। तो गाइज उन्होंने हमारे से 150 रुपये लिए ब्याज के रूप में, तो हम ब्याज के लेजर को डेबिट करेंगे और राम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट करेंगे। तो गाइज अब हमारी ब्याज की नेट इनकम क्या रह जाएगी? अब नेट इनकम हमें 100 रुपये तो हमें ब्याज के रूप में मिले थे, लेकिन हमने ब्याज के रूप में आगे चुकाए कितने हैं? 150 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 50 रुपये ये हमने हमारे जेब में से एक्स्ट्रा भुगतान किया है, तो ये -50 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा एक्सपेंसेस है ब्याज के रूप के अंदर। हम ये नहीं मानेंगे हमारा 150 रुपये खर्चा है, हम ये मानेंगे हमारा 50 रुपये खर्चा है, क्योंकि 150 में से 100 रुपये तो हमको ब्याज के रूप में मिला ही था। तो 100 रुपये मिला था, 150 रुपये का हमने आगे ब्याज के रूप में भुगतान कर दिया, तो हमारी जेब में से तो 50 रुपये जाएंगे। तो गाइज इस तरह से कि आपकी कोई भी इनकम अगर कोई रिवर्स होती है, कैश डिस्काउंट वगैरह में कोई मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह में कोई मिलता है, तो वापस के अंदर रिवर्स होते रहते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट और रिवर्स ट्रेड डिस्काउंट की, तो क्या फर्क होता है? ये आता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। आपको मैं बता दूं, हालांकि इस मैटर पे हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। राम जब हम कोई हमें नगदी के रूप के अंदर हमें कोई छूट मिलती है, जैसे हमने राम एंटरप्राइजेज को भुगतान किया था और राम एंटरप्राइजेज ने हमारे को इतने रुपए की उसने रसीद दे दी, रसीद संख्या 1375। तो गाइस उसने क्या किया, जब उसने हमारे से 1000 रुपये लिए थे, तो हमने उसने 1000 रुपये नहीं दे के उसने हमने उसको 900 रुपये ही दिए थे, और उसने रसीद जो हमारे को पूरे 1000 रुपये की दे के गया है। तो गाइस अब जब हमारे को रसीद वो 1000 रुपये की दे के जाएगा और भुगतान हम 900 रुपये का करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपये हम बचा रहे हैं, मतलब 100 रुपये हम हमारे व्यापार के अंदर इनकम ले रहे हैं। सेम ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, अगर नगद देते वक्त अगर कोई हमें छूट लेते हैं तो। गाइज अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हम किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं और वो जो डिस्काउंट है वो उसने हमारे बिल के अंदर ही लगा दिया हमें। जैसे गाइज हमने इससे शुगर ऑयल टी वगैरह हमने इससे परचेज किया था, टोटल जो सामान की कीमत है वो 700 रुपये बनी थी, और उसने हमारे को 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और 650 रुपये का नेट बिल बना दिया। तो गाइज ये जो डायरेक्टली हमारे इनवॉइस के अंदर जो हमें छूट मिलती है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है, और जब हम नगद देते वक्त कोई छूट करवाते हैं तो वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। हालांकि इसके मैटर पे हम आगे भी बात करेंगे। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारे बिजनेस के डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, हमारे बिजनेस की डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है। तो गाइस इन खर्चों और इनकम के ऊपर डेबिट और क्रेडिट का रूल कैसे फॉलो किया जाता है, ये सब हम प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे, और साथ में हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सुधार कर सकें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।